हेलो चिल्ड्रन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो केमिस्ट्री में हम नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कन्वर्जन कुछ रूल्स को, कुछ लॉज को फॉलो करता है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कुछ लॉज फॉलो होते हैं और उन्हीं लॉज को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये मेनली फाइव लॉज हैं डिफरेंट, और इसमें फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये मोस्ट पॉपुलर लॉ है केमिस्ट्री का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके बच्चों, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन में किसी भी तरह का लॉस ऑफ मास नहीं होगा। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे उतने ही मास का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो देर विल बी नो लॉस और नो गेन ऑफ मास। ओके बच्चों, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है बुक में कि सिल्वर नाइट्रेट जो है ना वो रिएक्ट होता है विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्मिंग सिल्वर क्लोराइड PPT प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं इनका जो मॉलिकुलर मासेस है वो सिल्वर नाइट्रेट इज 170, सोडियम क्लोराइड इज 58.5, सिल्वर क्लोराइड इज 143.5 एंड सोडियम नाइट्रेट इज 85। तो अगर हम रिएक्टेंट के मासेस को ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि वो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो 228.5 ग्राम आता है, और यही सेम मास प्रोडक्ट्स का भी आता है। यानी कि यहाँ प्रूव होता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। और ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूविंग थी इसको एक साइंटिस्ट थे लैंडलॉल्स। ओके बच्चों, लैंडलॉल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो प्रूव किया था कि कैसे लॉस जो है ना मास का लॉस नहीं होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो लैंडलॉल्स ने क्या किया था, इस तरह से एक बाई लिम्स, दो लिम वाली एक ट्यूब ली थी और एक लिम पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और दूसरे लिम पे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को फिल किया था। इसके बाद इस पूरे अपरेटस को उन्होंने वे किया था, और वे करने पे मान लीजिए इस पूरे अपरेटस का जो वेट था वो सपोज W1 था। इसके बाद लैंडलॉल्स ने क्या किया, इस अपरेटस को शेक कर दिया था। शेक करने से ये दोनों सॉल्यूशन इंटरमिक्स हो गए, और इंटरमिक्सिंग के बाद इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए। कौन से प्रोडक्ट्स बनाए बच्चों, इन्होंने बनाया सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोडक्ट्स बन गए। अब क्या किया उन्होंने, इस अपरेटस को रीवे किया, फिर से दोबारा वे किया आफ्टर रिएक्शन। तो लेट द मास ऑफ द अपरेटस जो है वो W2 आया। तो बिफोर रिएक्शन इट वॉज W1 एंड आफ्टर रिएक्शन इट वॉज W2। बट जब उन्होंने दोनों मासेस को कंपेयर किया तो उन्होंने क्या देखा कि W1 इक्वल्स टू W2, यानी मास बिफोर रिएक्शन वाज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। सो इन दिस वे लैंडलॉल्स ने क्या किया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को प्रूव किया। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन की। इस सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें लोअर क्लासेस में मिलते हैं इस लॉ को लेकर के, कि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया है, लिमिटेशन में क्या है इसकी, कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एटम्स के न्यूक्लियस जो हैं वो चेंज शो करते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके पहले हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, E इक्वल्स टू
एम सी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन द मास एंड मास कैन फर्दर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो ई फॉर एनर्जी, इज फॉर एनर्जी एंड एम फॉर द मास ऑफ द पार्टिकल और सब्सटेंस। तो ई एम एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हम एनर्जी को मास और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जहां पर लॉस ऑफ मास देखा गया है। लॉस ऑफ मास यानी कि जितना रिएक्टेंट अमाउंट हम यूज़ करते हैं, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, सेम मास ऑफ प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है। मास ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के टोटल मास से कम होता है। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, मास ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जितना अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें लॉस ऑफ मास दिखाई पड़ेगा इन प्रोडक्ट। इसी तरह से कभी कभी मास गेन ऑफ मास भी हो सकता है, गेन ऑफ मास इन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ एटमॉस्फेरिक एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही है, तभी जो टोटल रिएक्टेंट हम लेते हैं उससे प्रोडक्ट का मास ग्रेटर होता है। तो ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो सेकंड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनेट एंड कॉन्स्टेंट। ओके, सो किसी भी तरह का केमिकल कंपाउंड जो है उसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मीन्स एलिमेंट्स एंड देयर प्रोपोर्शन, वो हमेशा क्या रहता है, निश्चित होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मासेस प्रेजेंट होते हैं वो ऑलवेज उस पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, वो निश्चित होते हैं और वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो आपको पता है कि केमिकल कंपाउंड्स, जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे कि H2O, तो H2O में अगर हम मास का रेशियो देखें तो टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बाय मास आर रिएक्टिंग हेयर विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ओके बच्चों, इट मींस बाय मास रेशियो इज 1:8। अब आप क्या करेंगे, आप वाटर को, आपको पता है कि वाटर जो है ना, देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, आप कहीं से भी वाटर को ले लेंगे, आप लेक से वाटर लीजिए, रिवर्स से, रेन वाटर, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, तो जिस भी सोर्स से आप वाटर कलेक्ट करोगे उसके एक मॉलिक्यूल का जो प्रोपोर्शन होगा, जो कंपोजिशन होगा, वो ये फिक्स होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के फिक्स प्रोपोर्शन में कोई चेंज आएगा तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है कंपाउंड की, कि कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका प्रोपोर्शन जो है, उनका रेशियो जो है वो फिक्स होता है। अब अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्रोपोर्शन में, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैं H2O2, तो यहाँ पर टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बाय मास आर कंबाइनिंग विद 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, सो रेशियो इज
1:16। तो जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो टाइप ऑफ कंपाउंड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। दिस इज वाटर एंड दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, और अगर वो चेंज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ था। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये भी हम लोग उनको भी देख सकते हैं आप। अब इसमें क्या है कि जो और एग्जांपल अगर आप करते हो, जैसे CO2 का एग्जांपल लोगे, तो CO2 में भी है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का कंपोजिशन फिक्स है। अगर आप किसी भी टाइप ऑफ CO2 को कलेक्ट करके उसके एक मॉलिक्यूल को चेक करोगे तो ठीक है बच्चों। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अब इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का और ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो अभी आपको पता है कि हमें पता है कि हम लोग आइसोटोप्स को जानते हैं, तो आइसोटोप्स को जानते हैं जैसे कि CO2। अब CO2 अगर ये जो CO2 है इसमें ये जो C है ये आइसोटोप 12 भी हो सकता है, ये जो CO2 है इसमें कार्बन का आइसोटोप 13 भी हो सकता है, और एक और जिसमें 14 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आइसोटोपिक कार्बन को हम लोग यहाँ पर लें तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बाई मास रेशियो होगा वो 12:16 होगा, सॉरी 32। यहाँ पर जो होगा वो 13:32 होगा, और यहाँ पर 14:32 होगा। तो आप देख रहे हो कि सेम कंपाउंड के जो कंपोजिशन है एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर 2:32 है, 13:32 है एंड 14:32 है। तो ये प्रॉब्लम तब आ रही है कि जब हमारे पास एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स जो है ना वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए पार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लॉ पर, थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है एग्जांपल इसका दिया हुआ, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। ओके, इन CO 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, एंड इन CO2 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, so the ratio of masses of oxygen which combines with 12 gram carbon is 16:32 or 1:2। okay बच्चों, तो क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पर example में कि these two are different elements carbon and oxygen and these two are forming more than one different compounds CO and CO2। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो कार्बन एलिमेंट है उसके फिक्स मासेस जो हैं वो ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से कंबाइन हो रहे हैं। तो कार्बन के 12 ग्राम यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी कार्बन के 12 ग्राम हैं, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके 16 ग्राम प्रेजेंट हैं और इसमें ऑक्सीजन के 32 ग्राम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंपाउंड है उसमें 12:16 का रेशियो है और यहाँ पर 12:32 का रेशियो। ठीक है बच्चों, तो थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब दो एलिमेंट्स जो है ना वो कंबाइन होके एक से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ
जो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस कंबाइन होते हैं उनके कंबाइनिंग मास में भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर कार्बन के 12 मासेस से ऑक्सीजन के 16 और 32 पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 16:32 और 1:2। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। तो ये है लॉ ऑफ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट लॉ है हमारा, नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ये फोर्थ लॉ है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी वुड कंबाइन इन द सेम रेशियो ऑफ मासेस और इन सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे सेपरेटली कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो अब पहली बात है कि यहाँ पर डिफरेंट थ्री एलिमेंट्स को लिया गया है, ए बी एंड सी, थ्री एलिमेंट्स आर देयर। तो क्या कह रहे हैं कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी वुड कंबाइन द सेम रेशियो, ए और बी उसी रेशियो में कंबाइन करेंगे ऑफ मासेस और इन सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे रिस्पेक्ट सेपरेटली कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। ओके बच्चों, तो सी के साथ ए और बी दोनों कंबाइन कर रहे हैं और दोनों कंबाइन हो करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। ए और बी दोनों जो है थर्ड एलिमेंट के, खाली मैं थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो अब ए और बी अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके मासेस में, इनके कंबाइनिंग मासेस में वही रेशियो होगा वा या सिंपल होल नंबर रेशियो होगा जो इनके सी के साथ कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड्स में है, ठीक है बच्चों। इसकी सेकेंड डेफिनेशन के भी टर्म्स देख लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी सेपरेटली कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट सी, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ ए एंड बी विच कंबाइन विद द कॉन्स्टेंट मास ऑफ सी बियर सिंपल मल्टीपल रेशियो, ठीक है। तो अगर ए और बी सी से कंबाइन हो रहे हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं तो ए एंड बी विच कंबाइन विद द कॉन्स्टेंट मास ऑफ सी बी आर सिंपल मल्टीपल रेशियो, तो उनके जो कंबाइनिंग मासेस हैं ए और बी के उनमें एक सिंपल रेशियो रिलेशन होगा। और अगर ए और बी आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइनिंग मासेस में भी सिंपल मल्टीपल या सेम रेशियो प्रेजेंट होगा। ओके बच्चों, एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मीथेन है, थ्री कंपाउंड्स, डिफरेंट थ्री कंपाउंड्स हैं, मीथेन, वाटर एंड CO2, ठीक है बच्चों, मीथेन, वाटर एंड CO2। तो मीथेन एंड वाटर में क्या हो रहा है, मीथेन एंड वाटर में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मीथेन में, मीथेन का मास जो है 12 है और हाइड्रोजन 4 है, यानी कि वन मास ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद थ्री मास ऑफ कार्बन। ओके बच्चों, इसी तरह से H2O में जो मास का रेशियो है वो 2:16 है, यानी कि 1:8। तो वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने क्या फिक्स कर लिया है, हमने हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया है। तो हाइड्रोजन का एक पार्ट 3 पार्ट ऑफ कार्बन से कंबाइन हो रहा है
और हाइड्रोजन का यहाँ पर एक पार्ट 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विद 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, या आप इसको भी फिक्स कर लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इसको इजी कर लोगे तो 3:8 पार्ट, तो ये जो रेशियो है वो यहाँ प्रेजेंट है दोनों अदर एलिमेंट्स का। तो ये सेम रेशियो में यहाँ कंबाइन होंगे या इस रेशियो के मल्टीपल सिंपल मल्टीपल रेशियो में यहाँ कंबाइन होंगे, यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यानी कि जिस प्रोपोर्शन में वो यहाँ प्रेजेंट हैं इसी प्रोपोर्शन में वो आपस में भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो आप इनको चेक करोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा लॉ है, फिफ्थ लॉ, गेलुज़ैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेलुज़ैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इसमें आपको क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू गेलुज़ैक्स लॉ व्हेन गैसेस रिएक्ट्स दे डू सो इन सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, एंड इफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर आल्सो गैसेस ऑल द वॉल्यूम्स बेयर अ सिंपल रेशियो प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये लॉ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है लोअर क्लासेस में भी। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो गैसेस हैं, तो उन गैसेस के जो वॉल्यूम्स में एक रिएक्टिंग वॉल्यूम्स में एक सिंपल मल्टीपल रेशियो का रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम्स में एक सिंपल रेशियो होगा, और अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सभी गैसेस के वॉल्यूम्स में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रिलेशन होगा। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को कॉन्स्टेंट रखना है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सभी गैसेस में सिंपल होल नंबर रेशियो का रिलेशन होगा। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे दे रखा है, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन फॉर्मिंग टू वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में कैसा रेशियो है, 1:1:2। ओके बच्चों, सो ऑल द वॉल्यूम्स बेयर अ सिंपल रेशियो। यहां पर तीनों वॉल्यूम्स जो है, तीनों गैसेस हैं, तो तीनों के वॉल्यूम्स में एक सिंपल रेशियो होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो गया गेलुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। जो अभी हमने लॉज डिस्कस किए इसके पहले 4 डिफरेंट लॉज, उनसे ये लॉ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको हमें मेनली डिस्कस करना है, डिस्कस इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। बाकी के जो 4 लॉज हमने पहले डिस्कस किए हैं, इन लॉज की डेफिनेशन आती है जो रेयर है, बहुत रेयर है कि डेफिनेशन पूछी जाए, और न्यूमेरिकल्स तो और भी ज़्यादा रेयर हैं, तो आपसे न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही नहीं जाने हैं जनरली इन लॉज से, जो आपने 4 लॉज पहले पढ़े हुए हैं। लेकिन इन पर इनकी डेफिनेशन माइट भी है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स में या कुछ एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही, तो रेयर कंडीशन है इन लॉज से कुछ आने का, बट आपको पढ़ना है इसलिए आपने कर लिया इसको। ओके बच्चों, तो ये पोर्शन हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातें ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।